एक मिनट थोड़ा रुकिए, भावुक नहीं हो ये खुश। बस मेरी यही अपील है, बस इन बच्चों के हिसाब से स्कूल बस बन जानी हो और स्कूल बन जाए। जो चीज मैंने फेस की है, मैंने चाहती कि मेरे बच्चे का भी वो स्कूल स्कूल की वजह से वो चीज़ फेस करे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर से करीब 20 किलोमीटर दूर गुडीसर गांव की तस्वीरें हैं। साथियों बिना छत की एक स्कूल चल रही है। पिछले 4-5 माह से लगातार बच्चे परेशान हो रहे हैं। करीब 25 से 27 बच्चों का यहाँ पर नामांकन है और एक छपरे में ये स्कूल चल रही है। एक शिक्षिका है, इनको अध्ययन करवा रही है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई, उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने इन्हें एक बिल्डिंग दी गई है। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, गांव के लोगों ने इन बच्चों को लेकर क्या कहा है और शिक्षिका है वर्तमान में, वो इन बच्चों को लेकर भावुक हो गई है एकदम। साथियों तो गाँव के लोगों से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं, कितने बच्चे हैं, कब से है। करीब बताया जा रहा है 4 माह से ये स्कूल छपरे में चल रही है। गांव के लोगों ने शुरू की थी इस स्कूल को, अधिकारियों को सब पता है कितनी मुश्किल में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो गांव के लोगों से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और गुडीसर गांव की ये तस्वीर है स्कूल की। धन्यवाद, एक बार शेयर कर दो। क्या वजह पड़ रही है ये एक 2 साल ले जो यह जमीन है नी, ये 104 बीघा गवर्नमेंट की जमीन है, तो उसमें 10 बीघा आबादी कटने के बाद 104 बीघा है। तो ये लांगा खान और गुल्ला खान उन्होंने 50 बीघे बताए कब्जा लिए, लेकिन कागजा में उन्होंने कब्जा करवा दिया उनको, 10 रुपए दे के अली साहब को, तहसीलदार साहब को, और उसमें कब्जा कर दिया। और यहाँ नक्ता का और कृष्णा दो ही भाई, उन्होंने 25 बीघे पे इन्होंने कब्जा कर दिया। अब ये स्कूल यहाँ बनने देंगे, इसी झगड़े में जो को हम जाके और जन सुनवाई में 10 बार तो हमने कलेक्टर साहब को दे दी, 3 कलेक्टर साहब चेंज हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी। अभी ये दूसरा कलेक्टर साहब आए इनके पास तो आचार संहिता लग गई, और कोई गए तो ही कोई मतलब नहीं, तहसीलदार के पास गए तो कोई सुनता नहीं। कागज भवरी देवी और रूपा रवारा ही उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने कागज कई बार जो दे दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला सोशल मीडिया में चलने के बाद में प्रशासन के अधिकारी भी आए थे, आए थे कल परसों, कल का आए थे और तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा कि भी बच्चा को शिफ्ट कर दो वापस और हम कल आके और जगह यहाँ आपको काट के दे देंगे और निर्माण चालू करा देंगे। अभी आप जो अस्थाई है वहाँ स्कूल कहीं जगह रख लो। जब हमारे इस भाई साहब को मैंने कहा अभी 10 दिन आप स्कूल को दो, फिर छुट्टियां हो जाएगी, जितने निर्माण चल जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं 10 दिन के बाद काम चालू करूंगा। और जाके बच्चा को वहां शिफ्ट करके तहसीलदार वहां फोटो लेके और गए, और कल परसों आज अभी आप आए हो, बाकी कोई नहीं आए सरकारी कोई भी। और वहाँ रास्ता है आगे वहाँ धंधोड़े पे, वहाँ रास्ता भी बंद है, ओली साइड पूरा डम्बर बन गया, लेकिन वहाँ है जो को अतिक्रमण कर रहा है वो रास्ता बंद पड़े। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है, वो खेत में होके जाते हैं। आप भी आए होगे तो इधर खेत में कच्चे में होके आते हैं, गांव के अंदर है जो वो स्कूल के लिए उसने अपना जो जमीन में उसने रास्ता दिया है, और जो अतिक्रमण करके रखा है वो रास्ता अभी भी बंद है और कोई सुनने वाला नहीं। सरकार एक तरफ बयान कह रही है कि हम बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देंगे, और एक तरफ बच्चे जो है स्कूल में छत के नीचे बिना छत के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना दुख। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है साहब, क्या करें, अब 2 साल हुए माथा पोट कर कर करके कोई सुनते ही नहीं है। और वो बाकी रही बात एसी की, एसी का गाँव है, एसी का वाला कोई सुनता ही नहीं है, जो भी आते वो दरकिनार करके चले जाते, बाकी कोई होते कोई झगड़ा वाले होते या कोई पहुंच वाले होते तो कभी हो जाती, लेकिन हम तो गरीब आदमी सारे ये तगड़े पावड़े वाले मजदूर हैं, तो उनके कहाँ जा बेचारा। कब से ये स्कूल छपरे के अंदर चल रही है? ये जनवरी के मैं स्टार्ट ये छपरा करवाया था, और फरवरी के एंड में तक ये बाहर बैठते थे बच्चे, और मार्च और ये अप्रैल 2 महीने की ये छपरे अंदर बैठ रही है, लेकिन यहाँ शिफ्ट किए हो गए 3-4.5 महीने हो गए। तो कितने बड़े दुर्भाग्य है कि आज जहां हाईटेक शिक्षा की बातें हो रही है, आज भी बच्चे यहां बिना छत आसमान तले पढ़ने को। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये शिक्षा अधिकारी को पता है, प्रशासन सभी को पता है कि बच्चे वहां परेशान हो रहे हैं। हमने भी अवगत कराया, हमने
सोशल मीडिया से भी कई बार फोटो भी डाले, लेकिन कोई यहाँ पे सब दुर्भाग्य की भी बात है कि बच्चों की कोई सुनता ही नहीं। हम दौड़ रहे हैं तो ये गांव के बच्चे, ये बच्चे परेशान हो रहे, इसलिए बड़े होते तो वो जाने, उनका काम जाने, हम बच्चों छोटे छोटे बच्चे को लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, कितना नामांकन है? यह 25 नामांकन बच्चों का है और 5-7 ऐसे है जिसका नामांकन अभी ये स्टार्ट करेंगे ना अप्रैल के, ये मई 15 मई के, तो ये हो जाएंगे, बाकी 5 तक हो जाए तो लगभग 40 आसपास हो जाए। ठीक है।